तो आज जो है ना CS 403 की असाइनमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, एक तो मैनेज करना है SQL सर्वर को, साथ ही साथ हमें कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन करने है, प्राइमरी की के और फॉरन की के। ठीक हो गया। और साथ ही साथ जो पॉइंट नंबर 4 है वो है इंसर्ट डाटा करना है, रिट्राइव करना है, मैनिपुलेट करना है डाटा। ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास उन्होंने एक डायग्राम दी हुई है, जैसे कि उन्होंने असाइनमेंट नंबर 1 है उसी की डायग्राम दी हुई ये वाली। ठीक है, और साथ ही साथ बताया हुआ टास्क 1 क्या है, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है अपनी व्यू आईडी के साथ, साथ साथ जो आपके आउटपुट होंगे ठीक है ना, वो भी आपने उसके स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। क्लियर हो गया। तो उसके बाद आपने जो है 3 टेबल क्रिएट करने हैं, कस्टमर, ऑपरेटर, कंप्लेंट, डेटाबेस। ठीक है ना, और हर एक टेबल के आपने करनी है डायग्राम में कॉरस्पॉन्डिंग, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने उसके टेबल क्रिएट करने हैं। ठीक हो गया। और साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेबल के साथ रिलेशनशिप उनका क्या बन रहा है वो भी डिफाइन करना है। क्लियर। ठीक है ना, अब वो कैसे मालूम हुआ, हमें मालूम होगा इनके जरिए, यहाँ पर बने हुए 1-to-many रिलेशनशिप बने हुए ये वाले, इनसे मालूम होगा कि टेबल्स में आपस में रिलेशनशिप क्या होंगे। क्लियर हो गया। टास्क 2 ये है, टास्क 3 हमारे पास है कंप्लेंट टेबल में से हमें 3 टेबल जो है ना रोज एंटर करनी है, और फिर हमने करना है टास्क 4 में डिस्प्ले ऑल कंप्लेंट करनी है, जिसके टाइप क्या होगी, CSV होगी, कंप्लेंट आईडी है बिटवीन 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर ये शो करनी है, और फिर हमने कंप्लेंट स्टेटस को एज एन असेंडिंग ऑर्डर भी शो करना है। क्लियर हो गया। टास्क नंबर 4 है, अब तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको सारा का सारा क्लियर होगा। ठीक हो गया। मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ, मैं ये डायग्राम है ना, डायग्राम है वहाँ पर टेबल नंबर 1 है, कस्टमर, ऑपरेटर, जनरेट, रजिस्टर, ये रिलेशनशिप है हमारे पास कंप्लीट है। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, जो हमारे पास SQL सर्वर है मैं उसमें जाता हूँ, मैं यहाँ पर SQL सर्वर है, अगर किसी को नहीं मालूम SQL सर्वर कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है, इसको आपको मैं उसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आप वहाँ से इंस्टॉल और डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे पास सेटअप भी रखा हुआ है, मैं आपको सेटअप भी इसका प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। अच्छा जी, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ऐसा सबसे पहले मैं एक मैग्नीफायर ओपन कर लेता हूँ, ताकि भी आप लोगों को सीधा नज़र आ सके कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखते रहा, हमारे पास जो है ना यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको डेटाबेस क्रिएट करनी है ना, हमने क्या किया यहाँ पर न्यू क्यूरी, न्यू क्यूरी को क्लिक किया, सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं, तो क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है ना, न्यू क्यूरी के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखना क्रिएट क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है ना, आगे आपके डेटाबेस का नाम क्या होगा, जो आपके वी यू आई डी होगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर करके, जो भी आपकी वी यू आई डी होगी। क्लियर हो गया, ये लिख दिया आपने, करना है इसको एग्जीक्यूट कर देना, एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पर देखना है डेटाबेस में रहेंगे आप, ठीक है ना, यहाँ पे ये बन गया डेटाबेस। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा, अब इस फिर डेटाबेस को कैसे यूज़ करूँगा, मैं अभी 3 डेटाबेस बने हुए हैं, मैं ये डेटाबेस को कैसे यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा अभी यूज़ यूज़। ठीक है ना, आगे कौन सा डेटाबेस का नाम है हमारे पास, ये डेटाबेस का नाम है कॉपी, यहाँ पे आऊँगा पेस्ट करूँगा मैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर दूँगा मैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एरर क्या आएगा अभी, कि हमारे पास जो ये है ना डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी कि सब ऐसा क्यों बता रहा है कि एग्जिस्ट क्यों है, ऑलरेडी एग्जिस्ट क्यों है, क्योंकि ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस, ये लिखा हुआ ना मैंने क्रिएट डेटाबेस, अब मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये वाली एग्जीक्यूट हो, ये वाले साथ एग्जीक्यूट ना हो, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट है ना ये एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि हमें तो एक मतलब बना चुके हैं, ये हमने डेटाबेस बना ली है। ठीक है ना, अब सिर्फ और सिर्फ ये वाले चले, अब मैं क्या करूँगा उसको सेलेक्ट कर लूँगा, अब इसे एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट होगी, अब इसका मतलब क्या है, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है ना, इसका मतलब है हमारे पास डेटाबेस कौन स्टार्ट होगी, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ना इसमें, वो देखा जा रहा है FVQ7QST के आगे डेटाबेस का नाम आ गया। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, सॉरी मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, मैं अब ऐसा करता हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास को पीछे कर लेता हूँ मैं। ठीक हो गया, अब इसके आगे जो है ना मैंने यहाँ पर सारी की सारी क्यूरीज बना दी हुई है, अब मैंने टेबल क्रिएट करना है ये वाला। ठीक हो गया, ये 3 टेबल में ऐसा करना है, सारे के सारे कॉपी कर लेता हूँ मैं, इस तरह करके कॉपी। ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा सिंपल सा पेस्ट कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, अभी आपको मैं समझाता हूँ मैं। ठीक है ना, अभी यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इधर मैं पेस्ट कर दिया मैं, अब आपको समझाता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा।
मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल कस्टमर, क्रिएट टेबल कस्टमर, कस्ट आई डी इंटीजर प्राइमरी की। अभी हमारे पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे पीडीएफ फाइल में डायग्राम में, डायग्राम में क्या बता रहा है, कस्टमर कस्टमर टेबल था ना हमारे पास पहले, यहाँ पर ये कस्टमर टेबल आ गया रहा। अब कस्टमर टेबल में हमारे पास एक कस्ट आईडी थी, ये रही कस्ट नेम कस्ट एट और कस्ट फोन नंबर आ गए, ठीक है। यहाँ पर देखें नीचे अंडरलाइन है, अंडरलाइन का मतलब क्या है, हमारे पास जो कस्ट आईडी होगी ये वाली वो क्या होगी, एक प्राइमरी की होगी। अभी एक प्राइमरी की है तो मैंने उसकी क्या लग दिया, यहाँ पर इंटीजर लग दिया, मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, इंटीजर लग दिया, ठीक है ना। इंटीजर का मतलब यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू है कि जिसका एक प्राइमरी आप कह सकते की होगी वो, ठीक है ना। प्राइमरी की आपको बताया था मैंने क्लासेस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, कि ऐसी की होती है जो है यूनिकनेस के लिहाज से अपना फ्लो कायम रखती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ये वार चार, वार चार का मतलब क्या होता है, हमारे पास के अंदर आप कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक है सर, उसको आप वार चार हमारे पास क्या है, एक अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। का यहाँ पर वाचर लग दिया, ठीक है ना, दे वाचर लग दिया, इसका मतलब कि इन सब में तीनों में क्या आएंगे, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आएंगी जिनकी लेंथ कहाँ तक जा सकती है, 255 तक, जिनकी लेंथ कहाँ तक जा सकती है, 255 करेक्टर तक। क्लियर हो गया। सेम है चीज़ हमारा कस्टमर हो गया, कस्टमर बना लिया मैंने, इसका टेबल बना दिया, अलग तरह पोशन बना दिया, ठीक है ना। अब मैंने ऑपरेटर का टेबल बनाया, अब मैंने क्या बनाया यहाँ पर, ऑपरेटर का टेबल बनाया। ऑपरेटर का टेबल और कस्टमर टेबल का साथ हमारे पास क्या था, रिलेशनशिप क्या है इसका, मैनी टू वन का, यानी कि हमारे पास कस्टमर काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कस्टमर को एक ऑपरेटर भी हैंडल कर रहा है, एक ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा कस्टमर को हैंडल कर रहा है, ठीक है ना। एक ऑपरेटर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कस्टमर को हैंडल कर रहा है, ठीक हो गया ना, इसका मतलब ये है। अच्छा जी, लेकिन अगर यहाँ पर देखें हमारे पास डायग्राम में, डायग्राम में एक और मज़े की चीज़ ये है कि जो वहाँ पर कस्टमर और ऑपरेटर है वो कौन हैंडल कर रहा है, कंप्लेंट, यानी कि अगर मैं कस्टमर को कंप्लेंट के साथ कंबाइन कर दूं और ऑपरेटर को कंप्लेंट के साथ कंबाइन कर दूं, ठीक है ना, कस्टमर को कंप्लेंट के साथ कंबाइन कर दिए और ऑपरेटर को कंबाइन कर दिए मैंने कंप्लेंट के साथ, तो क्या हमारे पास एक पूरा फ्लो नहीं बन जाएगा इसका, क्योंकि हमारे पास कस्टमर और ऑपरेटर के साथ रिलेशनशिप क्या बन रहा था, कंप्लेंट का। अगर कंप्लेंट का एक टेबल बना हुआ है हमारे पास जा करके, और दोनों में कंप्लेंट में हमारे पास कस्टमर आईडी भी हो और ऑपरेटर आईडी भी हो, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखेंगे स्टेटमेंट में, अगर हम क्या करेंगे ऊपर स्टेटमेंट में जाएंगे, नीचे सॉरी नीचे जाना पड़ेगा, नीचे लिखा हुआ होगा, सबसे नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर उन्होंने एक बात की है कि एक मिनट, मैंने यहाँ पर बात पढ़ी थी वो पढ़ना लाजमी है, वरना ये इस चीज़ आपको समझ नहीं आनी। हाँ जी, केयरफुली एग्जामिन द ईआर डायग्राम एंड अप्लाई नल और नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट ऑन प्राइमरी एंड फॉरेन की, ठीक है ना। हमारे पास क्या लगेगा, केयरफुली एग्जामिन गिवन ईआरडी एंड अप्लाई नल और नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट ऑन प्राइमरी की, ठीक है क्या। उन्होंने ये क्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो उन्होंने यहाँ पर लिखी भी है, तो उसको हमने तवज्जो से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, प्राइमरी की कौन सी की होती है जो खाली नहीं हो सकती अगर हम इंसर्ट करें डाटा, ठीक है ना, नंबर वन पॉइंट। उसके अलावा फॉरन की, फॉरन की अगर हमने पास की है किसकी, ऑपरेटर की और कस्टमर की, हमारे पास जो ऑपरेटर और कस्टमर है ये वाला, ये ऑपरेटर और कस्टमर की कंप्लेंट आईडी कहाँ पर जा रही है, कस्टमर कंप्लेंट के पास, ठीक है ना। अगर कस्टमर है तो कस्टमर कोई ना कोई कंप्लेन करेगा, अगर कंप्लेन है उस कंप्लेन को कौन देखेगा, कोई ना कोई ऑपरेटर। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा वन, ये वन टू मैनी, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा ये सेकंड वन, सेकंड वन देखें, ये वन, इसका मतलब क्या, दोनों चीज़ें लाजमी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या लाजमी है, और यहाँ पे कस्टमर और यहाँ पे क्या है, ये जीरो लिखा हुआ, यानी कि हमारे पास जो कस्टमर है वो एक कस्टमर का होना लाजमी है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो कस्टमर हमारे पास कंप्लेंट जनरेट करे। इसका मतलब क्या है, हमारे पास हम इसको यहाँ पर नॉट नल रख सकते हैं, इसको नॉट नल, नॉट नल, ये दोनों क्या आएंगे, नॉट नल में आएंगे। इसका मतलब क्या है, हमारे पास दोनों की दोनों चीज़ें लाजमी है, दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास क्या है, लाजमी है, यानी कि हमारे पास कौन सी चीज़ यहाँ पर लिखेंगे हम, नॉट नल वाली, ठीक है ना। यहाँ पर देखें जरा, आपको बताता हूँ, यह लिखी हुई है ये वाली, हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, रिलेशनशिप नॉट नल वाला। क्लियर हो गया, ठीक है। नोट और नॉन नल का आपको समझ आ गया होगा, कॉन्स्टेंट हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर आता हूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे जाता हूँ मैं, ठीक है ना।
ऑपरेटर में यहाँ पर हमारे पास कस्टमर का बना दिया हमने, देखा ना यहाँ पर साथ से लिख भी है, तो प्राइमरी की हमारे पास नॉट नल होनी चाहिए, ठीक है ना, ये लाजमी है हमारे पास, ठीक हो गया। प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, नॉट नल, इसमें हमारे पास हमेशा वैल्यू होगी, ठीक है ना, यहाँ पर साथ से लिख दिया तो मेजर, ठीक हो गया। अभी कंप्लेन टेबल आ गया, कंप्लेन टेबल में जो है हमारे पास कंप्लेन टेबल पे वैल्यूज कब आएंगी, जहाँ पास कुछ ना कि ऑपरेटर कस्टमर होगा, ठीक है ना। कस्टमर आईडी यानी कि जो कस्ट आईडी है ना, ये वाली कस्टमर आईडी और ऑपरेटर आईडी खाली ना हो, कस्टमर आईडी और ऑपरेटर आईडी हमारे पास खाली नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तभी ही हमारे पास कोई ना कोई कंप्लेंट जनरेट होगी। मैंने यहाँ पे देखे फॉरन की कस्टमर आईडी रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या, जो हमारे पास एक कॉलम है यहाँ पर, जो यहाँ पर जो वाले कॉलम के अंदर वैल्यूज आएंगी वो कहाँ से आएंगी, कस्टमर टेबल से। यहाँ पर देखा रेफरेंस कस्टमर टेबल की आईडी, सेम आईडी फॉरन की, फॉरन की जो हमारे पास ऑपरेटर आईडी ये वाली, ये जो कॉलम है इसका, इसमें कहाँ से वैल्यूज आएंगी, वो रेफरेंस कर रहा है ऑपरेटर को, वहाँ पर किसकी वजह से आएंगी, ऑपरेटर आईडी की वजह से आएंगी, ये वहाँ देखिए इसकी वजह से आएंगी, और कस्टमर आईडी में कस्टमर की आईडी आएंगी इसके अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए, क्लियर, ओके ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो हमारे पास टास्क लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है ना, कि इसके अंदर एंटर करो वैल्यूज, इसके अंदर क्या करनी है, हमने एंटर करनी है वैल्यूज ये वाली, कंप्लेन आईडी, कंप्लेन टाइप, कंप्लेन डेट और कंप्लेन स्टेटस, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने जो इसका कोड लिखा हुआ है ये वाला इंसर्शन का, हमारे पास ये कोड है ये वाला, ठीक है ना, इसको छोड़ा भैया, ये कोड है वहाँ पर इंसर्शन का, कंप्लेन का। मैंने यहाँ पर जो उन्होंने वैल्यूज लिखी हुई है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं कॉपी यहाँ पर आता हूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पर आता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है, जो उन्होंने दी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ सेलेक्ट करके इतने पोर्शन को मैंने एग्जीक्यूट करना है, इतने पोर्शन को मैंने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, पर एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर, मैं बस ये कह रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम कंप्लेंट, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कर दिया, मैंने जनरेट तो किया नहीं, मैं टेबल मैंने इनको भी तो जनरेट करना है, मैंने इतने पोर्शन को मैं सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है ना। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा ताकि मेरे पास ये टेबल बन जाए, ये देख रहे डाटाबेस, ठीक है ना, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पर डाटाबेस आ गई, डाटाबेस में गया, यहाँ पे डाटाबेस गया, ये टेबल्स आ गए, टेबल्स में देखिए हमारे पास ये तीन आ गए, कंप्लेंट कस्टमर ऑपरेटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जरा हमारे पास कॉलम्स है, कॉलम्स सारे आ गए, ये हमारे प्राइमरी की बन गई है, ये यहाँ पर दो फॉरेन कीज आ गई हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर कीज देखेंगे ये टेबल में कौन कौन सी कीज मौजूद है, एक प्राइमरी की है, दो फॉरेन कीज है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेम आई टी हर एक टेबल में हमारे पास मौजूद होंगे, यहाँ पर देखिए तीन टेबल बने हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट करूँगा, मैं डाटा क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा, इतना पोर्शन मैं क्या करूँगा सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट करने के बाद उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। अब यहाँ पर देखें ये एरर पढ़ने वाला है, ये एरर पढ़ने वाला है, ये एरर क्या कह रहा था, इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट द फॉरन की, यानी कि हमारे पास जो कस्टमर के अंदर हमारे पास जो डिटेल है फॉरन की वाली ये वाली, ये वहाँ पर जो कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल और प्राइमरी टेबल में डाटा खाली है, कस्टमर टेबल और ऑपरेटर टेबल डाटा क्या उसके अंदर खाली है, तो आप जो है अभी कंप्लेंट नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ना हमारे पास कोई कस्टमर है, ना हमारे पास कोई ऑपरेटर है, तो कंप्लेंट किसकी जनरेट हो रही है, तो कंप्लेंट जो है हमारे पास किसकी जनरेट हो रही है, तो जनरेट ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये वो एरर है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी लग गई है, हमारे पास तब तक डाटा एंटर नहीं होंगे तब तक हमारे पास कस्टमर नहीं होगा ना ऑपरेटर होगा, दोनों का होना लाजमी है। ये हमें किसने बताया, ये हमें बताया है ईआर डायग्राम में कि भाई दोनों का होना लाजमी है, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का होना लाजमी है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ वन वन लिखा है, यहाँ पर वन लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर वन लिखा है, यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये दोनों चीज़ों का इस टेबल में होना लाजमी है, क्लियर हो गया, ठीक है ना, गुड हो गया। अब मैं सबसे पहले डाटा एंटर करूंगा ऑपरेटर और कस्टमर के अंदर, वो कैसे एंटर करूंगा, मेरे पास ये एक डमी डाटा, आप बेशक अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं, मैंने तीन तीन, क्योंकि हमारे पास कंप्लेन कितनी जनरेट हो रही है, तीन कंप्लेन जनरेट हो रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट, असाइनमेंट में भी उन्होंने कितनी जनरेट की कंप्लेन्स, तीन जनरेट की कंप्लेन्स, कितनी कंप्लेन जनरेट की है, तीन, ठीक है ना। तो उसी वजह से मुझे जो है डाटा कस्टमर ऑपरेटर के अंदर भी तीन ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑपरेटर में बेशक आप दो रख लें, ठीक है ना, चाहे आप कस्टमर आप एक रख लें, एक की तीन कंप्लेन आई हुई है, ठीक है ना, लेकिन हम जो है ना यहाँ पर हर किसी का अलग अलग कंप्लेन रखे, वहाँ पर तीन कस्टमर है और तीन ऑपरेटर है, और तीनों ऑपरेटर अलग अलग कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना, हमने इस तरह का सिनेरियो बनाना है, ठीक हो गया।
मेन ये कमांड तो ये करूँगा मैं, कॉपी करूँगा मैं ठीक है ना, या कमांड्स वगैरह जो एसक्यूएल फाइल दी हुई है ना मैंने आपको, ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरे के ऊपर, ताकि आप इसको इजीली बना सके। बका अब जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको उसमें डिटेल फुल डीपली बताऊंगा कि इंसर्ट स्टेटमेंट क्या होती है, इंसर्ट कैसे करना है, किस तरह नहीं करना है ठीक है ना। अभी बस आपको मैं सारा कोड दे दूंगा ये वाला मैं ठीक है, ताकि आप इजीली बना सके। आपने बताओ क्या करना पड़ेगा आपको, बस यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये नेम जॉन डो, यहाँ पर ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये फ़ोन नंबर आ गया ठीक है ना, बस आपने यहाँ पर अपनी मर्जी का डाटा लगाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जॉन डो की जगह, मैं लिख दी यहाँ पर भी कोई भी लिख दिया, अभी एक लिख दिया मैं राहुल लिख दिया मैंने ठीक है ना, एड्रेस मैंने उसका कोई भी लिख दिया, आप वो कहते भी रहता है कनाडा रहता है ठीक है ना, कनाडा रहता है, कनाडा लंदन ठीक है ना, कहाँ रहता है वो कनाडा में रहता है, लंदन में साइड पर ठीक है ना, उसका नंबर कोई भी कर सकते हैं +1 जो भी ऐसा कोई नंबर है शायद यहाँ पर मैरिट वाली आएगी, इस तरह का नंबर है उसका ठीक है ना। आपने अपनी मर्जी के यहाँ पर डाटा लगा देना, ताकि हर किसी का डाटा डिफरेंस हो जाए। क्लियर हो गया, अभी यहाँ से कॉपी करूँगा मैं ठीक है, सर्वर में जाऊँगा मैं, यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा इधर करके ठीक है ना, ये पेस्ट कर दिया मैंने। आप अब मैं क्या करूँगा, इतना पोर्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमारे पास कितनी रोज इफेक्ट होंगी, 3 रोज, एक कस्टमर टेबल में, एक ऑपरेटर टेबल में, तीनों की तीनों रोज क्रिएट हो गई हैं। अब मुझे कैसे मालूम होगा कैसा है, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूंगा, एक कौन सा स्टेटमेंट लिखूंगा मैं सॉरी यहाँ पर लिख लूंगा मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कौन से टेबल से कस्टमर ठीक है ना, मुझे कस्टमर टेबल में सारा डाटा उठा के ले दे, ताकि मुझे मालूम हो सके डाटा, ये देखें डेटा हो गया वहाँ पर कस्टमर टेबल में से, ये देखे ज़रा यही था कस्टमर टेबल में, 3 डेटा आ गया वापस। अब मैं आप लेता हूँ ऑपरेटर, कॉपी करूँगा यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं। अब इतने पोर्शन को सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दूंगा, यहाँ पर देख रहे हैं ऑपरेटर के डाटा आ गया यहाँ पर ठीक है ना। वैसे ये वाला मुझे चाहिए नहीं, मुझे यहाँ से ख़त्म कर दूंगा बस बात ठीक हो गया। अब मैंने क्या ऐड करनी है, कंप्लेन, वहाँ पास ऑपरेटर भी आ गया अभी, कस्टमर भी आ गया ठीक है। अब मैं यहाँ पर जनरेट करूँगा इसकी कंप्लेन ठीक, इतना पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं, डाटा हमारे पास एंटर हो गया, गुड हो गया ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास टास्क नंबर कौन सा है, 3 3 हो गया, 2 भी हो गया और 1 भी हो गया हमारे पास। 1 में क्या था डेटाबेस क्रिएट करना, 2 में क्या था आपने क्या करना है उसको रिलेशनशिप के लिहाज से अपने कॉलम्स को क्रिएट करना और डाटा लिखना, तीसरे में ये डाटा एंटर करना, फोर्थ वाले में क्या डिस्प्ले ऑल कंप्लेंट ऑफ टाइप CSV, यानी कि कंप्लेन टेबल में से हमने वो डाटा उठाना है जिसकी टाइप क्या होगी, CSV होगी। कितनी टाइप से यहाँ पर, 2 ठीक है ना, तो हमारे पास भी 2 ही आने चाहिए। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैंने जनरेट की हुई क्यूरी ये लिखी हुई ठीक है ना, इससे पर कहता मैंने इसका एक वाइल्ड कार्ड भी इस्तेमाल किया हुआ है ठीक है। वाइल्ड कार्ड क्या होता है क्या नहीं होता है वो बाद में देखेंगे ठीक है ना, लेक्चर्स वगैरह में। अभी ऐसे हमारा काम है असाइनमेंट्स पूरे करना, इसको अगर मैं ऐसा हटा भी दूंगा तो खैर है ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, लाइक यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा, इस तरह करके फिर लिखूंगा पता इक्वल लगा दूंगा मैं ठीक है ना। मैंने लिखा वेयर कॉम टाइप इज इक्वल टू CSV ठीक है ना। अब इतने पोर्शन को मैं क्या करूंगा सेलेक्ट करूंगा मैं, एग्जीक्यूट कर दूंगा, आ गया हमारे पास डेटा वो वाला, जहाँ जहाँ पे CSV है वहाँ पे वो शो कर देगा। क्लियर हो गया, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कस्टमर ID भी शो हो जाए, कस्टमर का डिटेल भी शो हो जाए, ऑपरेटर भी शो हो जाए, तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा ज्वाइन का। ज्वाइन का उन्होंने कहा नहीं है, मैंने आपको बताया था लेक्चर में, समझाया भी था ज्वाइन क्या होता है, थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन वगैरह ठीक है ना, वो पढ़ाया भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 18 या 19 में थे वो ठीक है। तो वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सक करके हम टेबल्स को कम्बाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारी असाइनमेंट में ये चीज़ नहीं की ज्वाइन करो, तो हम सिंपल लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कंप्लेंट वेयर प्लेन टाइप इज इक्वल टू CSV, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग उसका रिकॉर्ड आ गया। क्लियर हो गया, गुड हो गया। अब मेरा जो यहाँ पे काम है वो है बिटवीन डेट्स, क्या है उन्होंने क्या कहा है बिटवीन का ठीक है ना। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं बिटवीन का कैसे मालूम है, यहाँ पे देखें सेकंड पॉइंट का डिस्प्ले ऑल कंप्लेंट ID स्टेटस, क्या क्या शो करना है हमने, कंप्लेंट आई डी और कंप्लेंट स्टेटस, स्टेटस कौन सा है यहाँ पे, ये वाला, ये दो चीज़ इस्तेमाल शो करनी है ठीक है ना, बिटवीन 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर तक, 15 जनवरी सॉरी, 1 दिसंबर 2022 टू 15 जनवरी तक ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्यूरी लिखी है पहले से, ये रही सिलेक्ट कंप्लेन ID कंप्लेन स्टेटस फ्रॉम कंप्लेंट टेबल ठीक है ना, कम आगे टेबल का नाम आ गया ठीक है ना। वेयर कंप्लेन डेट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 1/12/2022, यानी कि हमारे पास 1 दिसंबर 2022 से लेकर एंड एंड ऑपरेटर आ गया,
कंप्लेंट आईडी लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 15 जनवरी 1 2023 तक की। क्लियर हो गया? ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा इसको, मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर दूंगा। मैं आ गया मेरे पास, ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड आ गए मेरे पास। ठीक है ना, 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के दरमियान तक का मेरे पास तीनों के तीनों रिकॉर्ड आ गए। क्लियर? ठीक है ना, ये भी काम हो गया। अब हमारे पास रह गया है इसका थर्ड स्टेप, वो क्या है, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेन स्टोर्ड सॉर्टेड सॉर्टेड बाय कंप्लेंट बाय कॉलम कंप्लेन स्टेटस इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि हमने जो हमारे पास टेबल मौजूद है, कौन सा वाला, कंप्लेन वाला, इसको हमने एज एन असेंडिंग ऑर्डर शो करना है बाय यूजिंग ऑफ कंप्लेन स्टेटस। क्लियर? ठीक है ना, वो कैसे करूंगा मैं, मेरे पास की क्यूरी बनी हुई है पहले से ही, मैंने इसको लिख लिया था, मैंने लिखूंगा अभी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कंप्लेंट ऑर्डर बाय का ऑर्डर बाय कंप्लेन स्टेटस, क्योंकि उन्होंने कहा कंप्लेन स्टेटस के मुताबिक आपने इसको ऑर्डर करना है। कौन से ऑर्डर में करना है, भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्लियर हो गया अभी? ठीक है ना, इतने हिस्से को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा मैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे से एग्जीक्यूट करूँगा, ये भी हमारे पास, ये भी क्या हो गया है, हमारे पास क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में जनरेट हो गया है। क्लियर हो गया, बाय अकॉर्डिंग टू कंप्लेन स्टेटस। अब ये कंप्लेन स्टेटस यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर से क्या बना था, वहाँ पर ये अल्फाबेटिक पी से आर पे लगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास बन गई है इसकी असाइनमेंट। अब ये लेकिन ये तो हम एसक्यूएल फाइल बनी है, वहाँ पर अभी क्या बनी है, एसक्यूएल फाइल बनी है। अब जो है उनको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर ये जो आउटपुट है, उन्होंने क्या भी हर एक आउटपुट का आपने क्या करना है, स्क्रीन शॉट लेना है। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपने उसको एम एस वर्ड फाइल में जाना है। अभी बना लेते हैं, एम एस वर्ड में नहीं आता मैं। एम एस वर्ड आपने क्या करनी है, ओपन करनी है। ठीक है, क्योंकि हर किसी का जो आउटपुट है ना, हर किसी का कोड सेम रहेगा, बस का चेंज रहेगा उसके डेटाबेस का नेम, उसके डेटाबेस का नेम चेंज रहेगा। बस आपने ये करना है, यहाँ पर अपनी आईडी चेंज करनी है। इधर मिसाल के तौर पर आपका आईडी होगी इस तरह करके लिख दिया आपने, अगर आपने इधर आईडी लिखी है तो इधर भी आपको अपनी आईडी चेंज करनी पड़ेगी इस तरह करके, जो भी आपकी आईडी होगी। ठीक है ना, आपने ये करना है यहाँ पर इस तरह करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना इस तरह करके। ठीक हो गया, इसको कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस सी करूँगा मैं। ठीक हो गया, अब मेरे पास क्या है, ये आईडी जनरेट हुई हुई है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज करके, ठीक है ना, इसको मैं नो करता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट करता हूँ, दोबारा से डिलीट किया मैंने। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्लोज करना करके ओके कर देता हूँ, मेरे पर ये डेटाबेस क्रिएट डिलीट हो गई। न्यू क्वेरी में जाऊँगा मैं, यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी कर दूंगा मैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पर ये आई डी जनरेट लिखी मैंने अभी, मैंने अभी ये लिखी ना मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करके, ठीक है, इसे मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं। यहाँ पर वापस क्या आ रहा है, अभी डज नॉट एग्जिस्ट टू मेक श्योर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया, शुक्र करें एक एरर आ गया, ताकि आपके मालूम हो सके कि कैसे चेक कर लो डेटाबेस क्रिएट हुई नहीं क्रिएट हुई। ठीक है ना, सबसे पहले मैं करूँगा डेटाबेस क्रिएट करूँ, इतने पोर्शन को सेलेक्ट किया मैंने, एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखते हैं ना, वापस आई डेटाबेस हुई, डेटाबेस आ गई, ये बन गई है डेटाबेस। उसके बाद आपने क्या करना है, इतना पोर्शन को सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर देना, कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद करना है ये तीन टेबल पकड़ने, इन तीन टेबल को मैं सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, अपने क्या करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है, तीन टेबल बन गया हमारे पास। ठीक है, अब तीन टेबल चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये टेबल आ गए यहाँ पर। ठीक है, ठीक हो गया, ये टेबल बन गया। आपने इसका स्क्रीन शॉट लेना है, आपने क्या करना है, स्क्रीन शॉट कैसे लेंगे आप, स्निपिंग टूल में ना, आप स्निपिंग टूल में चले गए आप। ठीक है, स्निपिंग टूल में जो है हमारे पास अभी हो गया, स्निपिंग टूल भाई ये आ गया, न्यू में आना है अपने इसके। ठीक है, आपने ये करना है, इतना पोर्शन जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन आपने कॉपी कर लेना पूरा का पूरा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इससे हमारे पास शो क्या हो जाएगा, कंप्लेंट टेबल बन गया, कस्टमर टेबल बन गया, ऐसा करके बन गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गया है। ठीक हो गया, आप क्या करना है, जो यहाँ से कोड होगा ना ये वाला, एक उसको दोबारा एक मतलब पकड़ लेता न्यू। ठीक है ना, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर जनरेशन बन जाए। ठीक, तीसरा बन गया। ठीक हो गया, एम एस वर्ड में आना, यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको यहाँ से पूरा का पूरा सेव कर लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, सेव किया मैंने, करूँ वापस ऐसा करके डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर, कोई भी नाम लिख लेता हूँ मैं इसका ना, कोई भी नाम लिख लिया मैंने इसका, सेव कर दिया मैंने इसको। ठीक है, मैं जाऊँगा इसमें, ठीक हो गया, ये हमारे पास बनी हुई यहाँ पे पिक्चर इसकी। पिक्चर नाम क्या था, वहाँ पर भूल गया नाम मेरा, दोबारा सेव कर लेता हूँ इसमें, सेव करता हूँ मैं। ठीक है, डेस्कटॉप में ये वहाँ पर नाम था, डी से नाम बनता है इसका। ओके ओके, ये हमारे पास। ठीक हो गया,
नहीं है, बनी है डी 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 डी, ये रही, ये मेरे हमारे पास ठीक हो गया, ये मेरे आ गए हमारे पास ठीक है। मैं क्या करूँगा उसका ड्रैग करके एमएस वर्ड पे ले आऊँगा मैं, इसको न्यू फाइल होगी ब्लैंक वाली, ब्लैंक फाइल ओपन कर लेते एक बार दबाना। ओके ब्लैंक फाइल ओपन कर ली मैंने, तो यहाँ से खत्म कर लेबल कंटेंट करता हूँ मैं ठीक है। इसमें आके मैं जाऊँगा एमएस वर्ड पे, यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिया मैंने ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपने, जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है इसमें ठीक है ना, इतना पोर्शन आपने कॉपी करना सबसे पहले, ये कॉपी किया आपने कॉपी ठीक है। एमएस वर्ड में गए आप, यहाँ पर आपने सबसे पहले इसको नीचे कर दूंगा, इसको करना आपने थोड़ा सा पिक्चर कैच करके थोड़ा नीचे कर लिया उसको, सबसे पहले जैसा अगर कोड लिख लेता हूँ सारा कोड आ गया सारा का सारा ठीक है। अब सारी इमेज, अब मेरे पास इमेज आनी चाहिए, अब मेरे पास क्या होगी इसकी इमेज आएगी, ये इमेज कहाँ पर आएगी, इधर आएगी इमेज ठीक हो गया, ये हमारे पास इमेज का कोड है ठीक हो गया। उससे पहले, ये इससे पहले हमारे पास क्या होगा, एक डेटाबेस क्रिएट होगी। डेटाबेस क्रिएट कैसे होगी, ये दो चीज़ आपने कॉपी करनी है, यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना है ठीक है। और फिर आपने जो है एक और तस्वीर लेनी है, इस तरह करके किस तरह करके डेटाबेस यहाँ से क्लोज करके ठीक है, इसको आपने एक बार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना इस तरह करके, और फिर माउस को थोड़ा साइड पर करें ताकि आपको नज़र आ जाए ये चीज़, इससे मैं ऐसा इस तरह करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा मैं ठीक हो गया। ये मैंने वैसे कि आप स्क्रीन शॉट लिया इसका कीबोर्ड के जरिए, एफ एन प्रिंट प्रिंट से स्क्रीन करके, फिर आप उसको स्लिपिंग टूल के जरिए भी कर सकते हैं ठीक है। उसके विंडोज शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे, उससे भी हमारे पास स्क्रीन शॉट आ सकता है ऐसा करके ठीक हो गया। और फिर आपने क्या करना है इसका, जब आप उसके अंदर इंसर्शन वगैरह करेंगे, इंसर्शन वगैरह कैसे करेंगे आप ठीक है, ये वहाँ पर इंसर्शन का कोड है ठीक है ना, ये वापस क्या है इंसर्शन का कोड, पहले इन दोनों की उसका ऐड करेंगे ठीक है ना। यहाँ से इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा नहीं है, ये मैसेज भी साथ शो हो हमारे पास ठीक है ना। आपने इतने पोर्शन को करना सेलेक्ट करना है पहले, इतने पोर्शन को सेलेक्ट करके ठीक है, और फिर आपने क्या करना है इसको, यहाँ से एक मतलब यूँ पहले मैं इस कोड कॉपी कर लूँ, मैं कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने ठीक है ना, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पर चला गया पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर ठीक हो गया। और फिर आपने इस तरह करके ना वन बाय वन करके आपने इसको शो करते रहना ठीक हो गया। जब इसका करेंगे आप, इसका इंस्ट्रक्शन का यहाँ पर मैसेज भी आएगा ठीक हो गया, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा मैं, आ गया मैसेज ठीक है। यहाँ पे करूँगा मैं इसको प्रिंट स्क्रीन करूँगा मैं, यहाँ पे आकर मैं दोबारा से इसको जो कोड होगा कोड यहाँ पर आएगा, कोड लिखने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा मैं ठीक हो गया। और फिर आप जब इसको लिखेंगे ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तस्वीर लेनी है आपने इसकी ठीक है ना, पहले सबसे कोड लिखेंगे यहाँ पर, और आप कोड लिखा आपने तस्वीर आएगी इसकी ठीक हो गया। तस्वीर आके हमारे पास क्या होगा यहाँ पर स्टार्ट, क्लियर हो गया। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा कि असाइनमेंट कैसे, मैं आपको इसकी एसक्यूएल फाइल प्रोवाइड कर दूंगा ये वाली ठीक हो गया ठीक है ना, ताकि आपके लिए इजी हो जाए ये वाला काम करने को। बस आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर और अपने यहाँ पर आईडी लिखनी है, क्लियर हो गया ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।